मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हैवानियत का ऐसा मामला एक सामने आया है जहां दो सगे भाइयों ने रक्षाबंधन मनाने के लिए मुंबई से जबलपुर गई चचेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया और साथ ही इसके मारपीट भी की। नातिन का बीच बचाव करने के लिए जब दादी आई तो दादी को भी इन लोगों ने हवस का शिकार बनाया और आखिरकार चचेरी बहन की मौत हो गई तो उसे दफन भी कर दिया। मगर पुलिस में शिकायत मिलने के बाद अब शव को दोबारा खोदकर बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर के रांझी इलाके का एक परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया था और रक्षाबंधन के मौके पर दादी अपनी नातिन के साथ जबलपुर गई थी और यहीं पर दो सगे भाइयों ने चचेरी बहन के साथ रेप किया। 13 से 19 अगस्त के बीच इसके साथ रेप की घटना को अंजाम देते रहे और इस नाबालिग लड़की के साथ मारपीट भी करते रहे। हालात बिगड़ने पर इसे अस्पताल में इन लोगों ने भर्ती कराया मगर नाबालिग लड़की की मौत हो गई और इन लोगों ने उसे दफन भी कर दिया। इन दरिंदों ने चचेरी बहन और दादी दोनों को अपने हवस का शिकार बनाया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब दादी वापस मुंबई लौटी और सारी आपबीती घर वालों को बताई। तब जाके लड़की के पिता को ये शक हुआ कि उसकी बेटी की आकस्मिक मौत नहीं हुई थी, कुछ तो यहाँ गड़बड़ था। जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक आरोपी अभी फरार है। हालांकि शव को पुलिस दोबारा खुदाई करके बाहर निकाल रही है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं दादी का भी मेडिकल कराया गया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है और पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें मामला ये है कि नाबालिग बच्ची के साथ में आरोपियों ने रक्षाबंधन के बाद में मारपीट भी किया था और मृतिका के पिताजी के द्वारा बताया गया कि मारपीट करने के बाद इन्होंने उसके साथ में दुष्कर्म भी किया था। इनकी सूचना पर हमने थाने पे अपराध पंजीकृत किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें जो भी एविडेंस आएंगे उसके अनुसार अपन कार्रवाई करेंगे।